साथ पकड़ ले हम भी। वेट मॉर्निंग वेट रूटीन। जी हाँ, ओ डर लग रहा है। दिस इज 58.7। जी जी, स्काफिंग वगैरह भी की हुई है ना, तो स्काफ का भी वेट है भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोना जैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:10। जी आप, ये 7:10 हो रहे हैं। अच्छा जी, आज सोचा एक्सरसाइज करने का टाइम है ये, तो आपको भी साथ में ले लिया जाए, मिलके एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी रूटीन अपनाते हैं। बाज़ों का कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो वेट लूज़ करने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं, वो ये होता है कि हमारा ईटिंग साइकिल कितनी देर का है। खुद से ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा कि आप कितने घंटे खाते हैं और कितने घंटे नहीं खाते। अच्छा, अगर ये साइकिल जो है वो इंक्रीज हो जाए, यानी जो ना खाने वाला टाइम पीरियड है वो बढ़ जाए और खाने वाला टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्स करती है टुवर्ड्स द वेट लॉस। इंटरमीडिएट फास्टिंग में यही होता है, लेकिन वो ज़रा और लंबे टाइम के लिए होता है, तो हम हाउसवाइफ्स के लिए या घर में रहने वाली खवातीन के लिए मुश्किल हो जाती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। ज़रा चक्कर करवाने लगते हैं ना, दिल चाहता है कुछ खा लिया जाए ना। तो आपको एक टिप जो आज मैंने लंच बॉक्स बनाते हुए सोची और समझी, वो मैं आपको ये दूँ कि हम जब लंच बॉक्स बनाते हुए अगर चख भी लेते हैं ना, तो हमारा ईटिंग साइकिल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन, जब हम खाते हैं कुछ भी तो हमारी इंसुलिन इन रिस्पॉन्स वो सिक्रीट होती है फ्रॉम द पैनक्रियाज, जो लबलबा होता है, उससे जब इंसुलिन सिक्रीट हो जाती है तो बॉडी का पूरा वो मैकेनिज्म जो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, फैट बनाता है, प्रोटीन से टिश्यू बनाता है, वो सब एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम चख लेते हैं ना, वो हमारा काउंट होने लगता है ईटिंग साइकिल। तो जब भी लंच बॉक्स बनाएं, आप अपने लिए नहीं, आप हल्का सा बस एक नमक टेस्ट करने वाला जो एक तरीका कार होता है वो सही है, लेकिन बाज़ अवकात होता है मॉम्स ने नगेट्स फ्राई किए, एक अपने लिए भी फ्राई करके और जी फेर हो गए, नाश्ता अलग है, उसका हिसाब किताब अलग है, उसको इससे निकनीस उसमें कोई मतलब लगता है, ये तो कैलोरी फ्री है, खा लो जो खाना। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत किया करें। मतलब चखम चुखी में ये जो मंचिंग होती है, इसमें इतना कुछ हमारे पेट में जा चुका होता है, अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो वो 2000 से अबव कैलोरीज हमारी डेली हो चुकी होती है। तो कैलोरी इनटेक को एक्चुअली करना है कम, इसके लिए बिलावजह में खाना पीना अलाउ नहीं है। ये अब करनी है वेट लॉस की नियत। सुबह का बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है इस वक्त, और दिखाऊँ आपको भी, अच्छा दिखाती हूँ, लेट्स हैव अ व्यू फ्रॉम माय बालकनी। जी है ना खूबसूरत। अच्छा, सुबह की खूबसूरती की बात ही अलग होती है। अगर सुबह सुबह हम अपना टाइम सारा यूटिलाइज करें, काम भी इतने सारे जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और जो भी लंच का बनाना हो वो डिसाइड कर लें कि क्या क्या बनाना है आज, और बच्चों के लिए क्या अलग बनाना है, और अपने लिए क्या साथ में ऐसा रखना है कि जो हेल्दी भी हो और वेट लॉस भी करें। तो आज लंच का कुछ सोचा नहीं है वैसे, लेकिन ऑब्वियसली एक मीट पॉट होता है जो चिकन वगैरह बॉयल कर लें अपने लिए साथ में, अगर आलू गोश्त बना रहे हैं या टिंडे गोश्त या एक्स वाई जेड घर का कोई सालन स्टू वगैरह जैसे कि पाकिस्तानी फैमिलीज में होता है, तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ी सी ना 2-3 बोटियाँ चिकन की निकालें अलग, एक पैन में बॉयल कर लें और उनके साथ कुछ भी मिक्स कर लें, वेजिटेबल्स वगैरह, बहुत ईजी भी रहता है कि साथ के साथ ही हो जाता है, स्पेशली अपने लिए अलग से कुछ भी प्रॉपरली तो कुक नहीं होता हम खवातीन से, इतना टाइम नहीं होता एक्चुअली, और फिर ये कि लोड होता है सबके ऊपर ही घर का, जहाँ शेफ्स हैं जहाँ कुक्स हैं वहाँ एक अलग मज़े हैं, लेकिन भाई हम तो अपनी बात करेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो भाई हम ही शेफ हैं, हम ही कुक हैं, हम ही क्लीनर हैं। तो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ लंच के लिए जो इंशाल्लाह हेल्पफुल हो, यही सोचा है, प्लान किया इंशाल्लाह आज लंच के लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो भी बनानी है। तो एक्सरसाइज का टाइम है, लेट्स हैव अ एक्सरसाइज विद मी टुडे। यस, बट आई फॉलो, आई विल टेल यू, ये जो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ ये लिटरली अभी मैं आपके साथ कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से फॉलो करें और इफ़ेक्ट्स इसके फील करें। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, प्लीज़ बहाने नहीं किया करें एक्सरसाइज के लिए, खुद को मोटिवेट करें। देखिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी कॉस्ट होती है जो कि खोना होता है। तो घर में बैठे हुए देखें, नो फी कुछ भी नहीं, आप अब तो माशाल्लाह यूट्यूब ने इतनी हेल्प कर दी है, मेरा पर्पस भी वीडियो बनाने का ये कि आपको मोटिवेट करूँ टुवर्ड्स एक्सरसाइज, बेतहाशा फ़वाद हैं एक्सरसाइज के, ऑन एंड ऑफ मैं आपसे डिस्कस करती रहती हूँ, बस मंचिंग कम करें और एक्सरसाइज की तरफ आएँ।
स्लोली, मतलब आपको जो इजी लगता है ना, बैठे ही नहीं, बस बैठने से, लेटे रहने से ना, डल रूटीन अपनाने से स्टक हो जाता है वेट ना, और बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने से भी क्या होता है, बॉडी स्टबर्न हो जाती है, नहीं वेट लूज होता। तो एक इमीडिएट ना रूटीन बनाएं अपनी कि किन किन टाइमिंग्स में मुझे क्या क्या करना है, फिर उसको खुद से फॉलो करें। दैट विल क्रिएट योर ओन मास्टरी, इससे आप अपने मास्टर भी खुद बन जाएंगे। जी चलें, बातें बहुत हो गई, अब एक्सरसाइज करते हैं। जी जनाब, एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। लेटरल स्टेप्स प्लस पुल्स, 1 2। हाथों को पूरा ऊपर और लेग को पीछे, हाथों को पूरा ऊपर, लेग को पीछे, अल्टरनेट लेग हो रही है, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से उठ जाइए। लेट्स मोटिवेट योरसेल्फ फॉर एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्लो रैकिंग बट किकर्स, बहुत छोटी छोटी सी बैक पे किक करनी है। देख लीजिएगा कुछ सामान तो नहीं है पीछे, या कोई खड़ा हुआ तो नहीं है, और आराम से अपने स्टार्ट हो जाएं। जी 1 2 3 4। अच्छा 20 कोई आसान एक्सरसाइज हो तो उसकी 20 रैप्स जरूर करें, और कोई मुश्किल लगे तो आप उसको 8 तक भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। अच्छा ये जो एक्सरसाइज है हाईली गुड, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर टमी फैट, लोअर एब्डोमिनल फैट। अच्छा ये है क्रॉस टो टचेस,
इससे जो आपकी कमर होगी ना, ओहो करीना कपूर की भी क्या होती थी वो, कौन सी फिल्म थी याद नहीं आ रही मुझे। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, वो वाली कमर चाहिए ना, तो ये वाली एक्सरसाइज करें। स्टैंड अप स्टैंड अप जी, हाथों को पूरा पीछे ट्विस्ट करना है और नीज को आगे झुकाना।